पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद कई एग्जिट पोल के परिणाम सामने आए हैं। इनमें कुछ कांग्रेस को जिताता हुआ नजर आ रहा है तो किसी में बीजेपी को जीत दर्ज करते हुए दिखाया जा रहा है। हालांकि एग्जिट पोल के रुझान को लेकर दोनों ही पार्टियों ने सधी हुई प्रतिक्रिया देते हुए असली नतीजे का इंतजार करने को कहा है। पांच राज्यों में चुनाव के बाद सामने आए एग्जिट पोल के रुझान ने कांग्रेस को मुस्कुराने का मौका दे दिया है। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि ये असली चुनाव नतीजे नहीं है, चुनाव परिणाम आने तक इंतजार करना होगा। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म होने के साथ ही कई एग्जिट पोल के परिणाम भी सामने आ गए हैं। किसी एग्जिट पोल में कांग्रेस को जीतते हुए बताया गया है तो किसी में बीजेपी की तीन बड़े राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वापसी का अनुमान लगाया गया है। इन सबके बीच बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार सत्ता में आने का दावा किया है। जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जरूरी है गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, भांजे भांजियों के लिए और माताओं बहनों के लिए, और सबका प्यार और आशीर्वाद मिला है। माई की कृपा है, भारतीय जनता पार्टी जीत। उन्होंने कहा है कि राज्य का सबसे बड़ा सर्वेयर तो मैं ही हूँ, मैं हमेशा जनता के बीच रहता हूँ, उनसे मिलता हूँ, कोई शक नहीं है बीजेपी की ही सरकार फिर से आ रही है। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस की चुनाव प्रचार समिति के प्रमुख ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि एग्जिट पोल्स के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है, लेकिन इस देश में आप एग्जिट पोल के सहारे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। मध्य प्रदेश की जनता ने इस बार परिवर्तन का मूड बनाया है और वो निर्णायक फैसला देगी। कई एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ के रिजल्ट को लेकर स्पष्ट अनुमान नहीं लगाया गया है। हालांकि छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस उत्साहित है। कुछ एग्जिट पोल में कांग्रेस को मिलती बढ़त पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने कहा है कि मुझे पूरा यकीन है कि बीजेपी चौथी बार सत्ता में नहीं आ पाएगी। बीजेपी के 15 साल के कार्यकाल में कानून का खुला उल्लंघन हुआ है, भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं इस सरकार ने तोड़ी है। लिहाजा एग्जिट पोल पर संतोष जता रहे कांग्रेस नेता छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार का दावा कर रहे हैं। एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की ही सरकार बनने जा रही है, पूरा देश ये जानता है और एग्जिट पोल में भी यही सामने आया है। प्रदेश की राज्य सरकार ने जो कुशासन दिया था ये उसी का जवाब है। एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ईवीएम को लेकर भी पार्टी का पक्ष रखा। दरअसल इस चुनाव के दौरान एक बार फिर ईवीएम को लेकर विवाद देखा गया, लिहाजा सवाल पूछा गया कि अगर चुनाव में कांग्रेस की जीत होती है तो क्या ईवीएम का विवाद भुला दिया जाएगा। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने लंबा चौड़ा जवाब देते हुए कहा कि ईवीएम विवाद अपनी जगह है, जिस तरीके से यहां पर घटनाएं सामने आई उसमें ईवीएम के साथ छेड़खानी की बातें तथ्यों के साथ कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत के तौर पर रखी थी, लिहाजा इसको यहां पर मिलाकर न देखा जाए। व्यापक तौर पर ईवीएम के साथ यहां पर छेड़छाड़ नहीं हो सकती, लेकिन जिस तरीके से यहां पर छेड़खानी की घटनाएं, फेरबदल की घटनाएं सामने आई उससे ये बात साबित हुई कि ईवीएम को लेकर सतर्कता की बेहद जरूरत है और इसी से संबंधित कांग्रेस ने अहम सुझाव यहां पर चुनाव आयोग के सामने पेश किए थे। एग्जिट पोल को लेकर सवाल बीजेपी से भी पूछा गया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि एग्जिट पोल पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, क्योंकि सही परिणाम 11 दिसंबर को ही देश के सामने आएंगे, हमें नतीजों का इंतजार करना चाहिए। एग्जिट पोल के नतीजे हर बार सही नहीं होते हैं, कई बार नतीजे उससे उलट आए हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल हमेशा सच साबित होते हैं, लेकिन एक के बाद एक चुनाव में लगातार हार का सामना कर रही कांग्रेस को अब एग्जिट पोल के रुझान मुस्कुराने का मौका दे रहे हैं, लिहाजा कांग्रेस नेता यहां पर गदगद हैं, लेकिन सभी भी प्रतिक्रिया कर रहे हैं कि चुनावी रिजल्ट का इंतजार तो करना ही होगा और ऐसे में 11 तारीख को आने वाले नतीजे के बाद ही असली तस्वीर सामने आएगी। कैमरामैन विद्या ब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़।